बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्कीवर्स विद ऑयस्टर सॉस। आपको बताते हैं चीज, पहले हम इसका मैरिनेशन बताएंगे आपको। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून, 1 हाफ टेबलस्पून। आप चाहे तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं क्योंकि गार्लिक का टेस्ट इसमें ज्यादा रहेगा। हम डालेंगे ऑयस्टर सॉस, वन टेबल स्पून, टू टेबल स्पून शेजवान सॉस, वन टेबल स्पून टमाटो केचप। ग्रेडी कॉर्नफ्लावर लिया हमने 3 टेबल स्पून। अब हम ये स्क्वीज किए हुए जैसे नींबू लेमन के जो छिलके येलो हैं वो हम इसको स्क्वीज करके वो 1/4 टीस्पून डालेंगे। वन टी स्पून जिंजर पेस्ट एंड 2 टीस्पून हम लेंगे यहाँ मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड सॉस लेंगे। 1, 2 इन सारी चीजों को और एक अंडा डालेंगे और मिक्स करेंगे। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कॉर्नफ्लावर की गुठलियां ना बनने पाए, अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून हनी, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। ओरिगैनो डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, डालेंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, तो अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमने 1/2 किलो चिकन लिया है, इसको इस तरह से हमने फ्लैट कर लिया है। देखिए मैंने पहले भी आपको फ्लैट करने का तरीका बताया था, ये सारे हमने पहले से ही फ्लैट करके रखे हुए हैं इस तरह से। ये देखिए सारे इस तरह से फ्लैट कर लीजिए ऐसे। देखिए सारे पीसेस हमने फ्लैट कर लिए, इसका सारा पानी निकाल लें, पानी एक्सेस कर लें, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब ये सारे बैटर हम इसमें डाल देंगे। मैरिनेट करने के बाद चिकन को कम से कम 6 घंटा हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरह हम सारे चिकन को मसाला लगा लें, सारा बैटर इस पर अच्छे से लग जाए। फ्रिज से निकाल लिया है, अब हमें हम इसे स्टिक में इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिक में लगाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा मसाला भी डालते जाएं। इसकी स्टफिंग फिसल जाती है तो स्टफिंग बार बार आपको डालनी पड़ेगी। ये देखिए हमने इस तरह सारे बना लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे एक एक करके फ्राई पैन में इस तरह रखते जाएंगे। व्यूअर्स, हमारी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी चिकन स्कीवर्स तैयार है, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।